तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? हिम्मत की कभी कभी नहीं थी मेरे पास, तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो शकुंतला। चले जाओ, गेट आउट ऑफ माय हाउस। मैं तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। तुम्हारा और मेरा वास्ता इतनी आसानी से नहीं टूट सकता। जुर्म की दुनिया में हम दोनों साथी हैं, जीवन साथी। राकेश टंडन के कत्ल के साथ ही मेरा तुमसे रिश्ता खत्म हो गया। अब तुम शराफत से यहां से जाते हो या मैं पुलिस को फोन करूं? हेलो, हेलो पुलिस स्टेशन। ये क्या बेहूदगी? बेहूदगी तुम कर रही हो शकुंतला, जो तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। सुरक्षा और इज्जत के जिस महल में तुम रहती हो वो रातों रात की पड़ेगी। देखो, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने के लिए समय नहीं है। बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। मेरे हस्बैंड अभी आते ही होंगे। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हें जेल में सड़ने से कोई नहीं रोक सकता। बेशक मैं जेल में सड़ूंगा, लेकिन तुम जेल के बाहर सड़ोगी। जब मेरा जुर्म साबित होगा तो ये इज्जत, सोशल रिस्पेक्टेबिलिटी, धर्मपत्नी, गृहस्थी का लिबास जो तुमने पहन रखा है वो सब तार तार हो जाएगा। तुम नंगी हो जाओगी शकुंतला। Shut your bloody mouth. आखिर तुम चाहते क्या हो? विनायक, मैंने तुमसे कहा ना, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो ढूंढो, तलाश करो, विनायक को ढूंढकर मेरे हवाले कर दो। वो मेरी कैद तोड़कर अपने नौकर समेत भाग गया है। तो विनायक का मेरी कैद में होना बहुत जरूरी है। कहां से ढूंढूं उसे? कैसे ढूंढूं? तुम्हें मुझे कुछ बता, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। जब तुम अपना शातिर दिमाग दौड़ाओगी तो कई रास्ते निकल आएंगे। विनायक मेरा ब्रीफकेस ले गया है, उसमें मेरा पासपोर्ट, पैसे और कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके बगैर मैं इंडिया छोड़कर नहीं जा सकता। विनायक को खोजना बहुत जरूरी है, वरना मैं तो अदालत कटहरे में खड़ा नजर आऊंगा, लेकिन तुम समाज के कटहरे में खड़ी नजर आओगी।